हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हूँ 41 अफेडी की नई भर्ती के बारे में। फाइन दोस्तों, 41 अफेडी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बताया कि यहाँ जल्दी 41 अफेडी में नई भर्ती आने वाली है। ये भर्ती कौन कराएगा, ये भर्ती कब से स्टार्ट होगी, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे या फिर ऑफलाइन, इसका सिलेक्शन प्रोसेस इस बार क्या रहने वाला है, पहले फिजिकल होगा या फिर एग्ज़ाम, इस बार यहाँ पर कितनी वैकेंसीज आएंगी, सभी पोस्ट में ट्रेडमैन में कितनी वैकेंसी आएंगी, फायर में कितनी वैकेंसी आएंगी, ट्रेडमैन में उनमें कितनी वैकेंसी आउट की जाएंगी, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ बताने वाला हूँ इस भर्ती में जो भी यहाँ पर भर्ती आने वाली है नई, उसमें सर्विस कितने साल की रहने वाली है, 20 साल की, 35 साल की या 60 साल की। दोस्तों, कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। जो कैंडिडेट यहाँ पर 41 एफईडी में नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। तो उसे कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ, कब से यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे, फॉर्म किस तरह से भरे जाएंगे, ऑनलाइन तरीके से या फिर ऑफलाइन, दोस्तों कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने ये वीडियो के एंड तक। पर दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 41 एफईडी का लास्ट भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें पोस्ट वैकेंसीज और सिलेक्शन प्रोसेस की सारी जानकारी दी गई है। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कब से फॉर्म भरे जाएंगे, पर दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 41 एफईडी की भर्ती अब इस बार कौन कराने वाला है, एफईडी कराएगी या फिर AOC सिकंदराबाद के अकॉर्डिंग यहाँ होने वाली है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूँ जितनी भी यहाँ पर एफईडी की भर्ती हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हैं जितनी भी हैं, वो सभी यहाँ पर AOC के अंडर चली गई हैं। तो दोस्तों, 41 की जो भी यहाँ पर भर्ती आएगी तो वो भर्ती यहाँ पर एफईडी नहीं कराने वाली है, AOC के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती होने वाली है। AOC ही डिसाइड करेगी यहाँ पर कितनी वैकेंसीज आएंगी, फॉर्म किस तरह से भरे जाएंगे, फिजिकल पहले होगा या फिर एग्ज़ाम होगा। दोस्तों, ये सब डिसाइड यहाँ पर AOC करने वाली है। दोस्तों, सिर्फ ये 41 एफईडी का नाम रहने वाला है, पर दोस्तों इसका सर्वर चार्ज AOC के अंडर रहने वाला है। दोस्तों, दोबारा से रिपीट कर दूं कि 41 अप्रैल की जब यहाँ पर भर्ती निकाली जाएगी तो यहाँ पर भर्ती अभी AOC कराने वाली है। और दोस्तों, बात आती है कि यहाँ पर भर्ती कब से स्टार्ट होगी। दोस्तों, भर्ती कब से स्टार्ट होगी, कब से फॉर्म निकले, ये इसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। पर दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस बार जो यहाँ फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑफलाइन नहीं भरे जाएंगे, ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर फॉर्म सबमिट किए जाएंगे। दोस्तों, ये तो रही यहाँ पर फॉर्म किस तरह से निकलेंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, और पहले यहाँ पर फिजिकल होगा या फिर एग्ज़ाम होगा, दोस्तों कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसमें जो भर्ती निकल के आएगी 41 एफईडी में, वो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस बस चेंज होने वाला है। दोस्तों, पहले इसमें यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है, ऑनलाइन तरीके से फॉर्म भरे जाएंगे, पहले यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों, एग्ज़ाम जो क्रॉस करेंगे कैंडिडेट, फिर उनका यहाँ पर फिजिकल होने वाला है। दोस्तों, जो भर्ती पहले निकली थी उसमें जो फिजिकल प्रोसेस था वो सेम रहने वाला है, फिजिकल में जो जो होता है वो सेम रहने वाला है। पर दोस्तों, पहले इस बार यहाँ पर 41 एफईडी में यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है और फिजिकल यहाँ पर एग्ज़ाम के बाद होगा। जो कैंडिडेट यहाँ पर एग्ज़ाम और फिजिकल क्रॉस करेगा फिर उनको यहाँ पर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, उनके यहाँ पर फाइनल मेरिट लगने वाली है। और दोस्तों, बात आती है कि यहाँ पर 41 एफईडी में कितनी वैकेंसीज आएंगी जब भी यहाँ पर नई भर्ती आएगी। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से यहाँ पर 300+ में या फिर 400+ में यहाँ पर वैकेंसीज आउट की जाएंगी। और दोस्तों, जो भर्ती पहले निकली थी जो यहाँ पर पोस्ट है, ट्रेड्समैन की, LDC, मटेरियल असिस्टेंट की, फायरमैन की, जो भी यहाँ पोस्ट है सेम पोस्ट रहने वाली हैं। बस दोस्तों, वैकेंसीज को यहाँ पर चेंज किया जाएगा, या तो घटाया जाएगा या फिर यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। एज सेम रहने वाली है, हाइट सेम रहने वाली है, फिजिकल प्रोसेस सेम रहने वाला, पर दोस्तों सिलेक्शन जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर बदला जाएगा। इस बार यहाँ पर पहले एग्ज़ाम होने वाला है, तब जाके यहाँ पर फिजिकल होगा 41 एफईडी में। और दोस्तों, बात आती है कि यहाँ पर 41 एफईडी जो यहाँ भर्ती आने वाली है नई, उसमें सर्विस कितने साल की रहने वाली है। तो दोस्तों, 41 एफईडी में सर्विस इस बार जो अभी यहाँ पर भर्ती निकलेगी उसमें 60 साल की यहाँ पर सर्विस रहने वाली है। और दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, अब सब बात हो चुकी है इसकी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की, ये भर्ती कौन कराएगा। दोस्तों, बात आती है यहाँ पर ये भर्ती कब आने वाली है, 41 एफईडी में भर्ती कब आएगी। तो दोस्तों, मेरे पास जो न्यूज़ निकल के आई है कि यहाँ 41 एफईडी में, चाहे आप ट्रेसमैन हो, फायरमैन हो, मटेरियल असिस्टेंट हो या LDC हो, चाहे आप कोई पोस्ट हो जिसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं,
पर दोस्तों 41 FED जो भर्ती आने वाली है नई, वो दिसंबर मंथ में आने वाली है। ऑनलाइन तरीके से यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे। सभी कैंडिडेट जो 41 FED में नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और दोस्तों जो यहाँ भर्ती आने वाली है, FED लेयर में नहीं होने वाली है, AOC के अकॉर्डिंग यहाँ पर भर्ती होने वाली है। AOC यहाँ डिसाइड करेगी यहाँ पर फिजिकल कब होगा, कहाँ होगा और एग्ज़ाम कहाँ होगा, कब होगा। दोस्तों सारा प्रोसेस यहाँ पर AOC के अंडर में। तो दोस्तों कोई भी कैंडिडेट टेंशन ना ले, जैसे यहाँ पर 41 FED में फॉर्म भरने की डेट आती है या फिर ऑफिशियल नोटिस आता है, तो सबसे पहले हमारे इस चैनल पर आपको अपडेट किया जाएगा। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले 41 FED जो भी अपडेट आती है, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती है। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप मुझसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।